जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 8 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों, आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 9। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों लेक्चर नंबर है 9। इसके पहले बेटा आपने कितने लेक्चरों का अध्ययन कर लिया है? 8 लेक्चरों का अध्ययन कर लिया दोस्तों। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आसानी से वहां से इन सभी लेक्चरों को देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपको चैप्टर 1 के सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में बेटा नाम क्या है? क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज चैप्टर 1 के प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन दोस्तों है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कहने का तात्पर, भले लाइनें बहुत छोटी, इनका मतलब बहुत है। कह रहा है जब तक जीना तब तक सीखना। यदि आपके अंदर, आपने अपने अंदर एक भावना बना ली कि हम जब तक जिएंगे या हम किसी भी नए कार्य को करेंगे तो उसमें हम कुछ ना कुछ सीख कर ही आएंगे। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो जब पढ़ाई कर दे तो आप इस उद्देश्य के साथ पढ़िए, अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिर पढ़िए कि यदि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। यदि हम इस बुक को फिजिक्स की बुक से पढ़ रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, मैथ कुछ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हम यदि इस उद्देश्य से लगाइए कि हम इन सभी क्वेश्चनों से हम यदि इसको पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। यदि इस लगन, इस उम्मीद के साथ यदि उस कार्य को करेंगे तो जाहिर सी बात उसमें मन लगेगा कि हमको तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई भी कार्य हो, पढ़ाई ही नहीं, आपके दैनिक जीवन में, आपको अपने लाइफ में भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से अनुभव जरूर लेके आते हैं। भले ही उस कार्य में आप असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वहां से कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा जब आप उस पर ध्यान से गौर करेंगे। और सीखना यदि आपको कहीं से भी मिल जाए, चाहे छोटका बच्चा आपसे छोटा बच्चा हो तो आप उससे भी सीख सकते हैं, आपसे बड़ा व्यक्ति उससे भी सीख सकते हैं। सीखना यह नहीं कि हम बड़े व्यक्ति से सीख, हमसे जो बड़ा होगा वही हमको सिखा सकता है, छोटा भी आपको सिखा सकता है। तो जहां से आपको सीखने को मिले, जहां से आपको ज्ञान मिले, वहां से तुरंत आपको लेना चाहिए। और यदि किसी भी कार्य को आप ज्ञान के लेने के उद्देश्य से, सीखने के उद्देश्य से करते हैं तो उस कार्य में आपका ज्यादा मन लगता है, ज्यादा फोकस होता है और उस कार्य को आप आसानी से कर लेते हैं। और उससे जब मन लगेगा तो जाहिर सी बात है उसको आसानी से करेंगे, इंटरेस्ट जब उसमें पैदा होगा तब आप उसके क्या आसानी से उसको कर लेंगे। और लास्ट में क्या कहा, अनुभव ही जगत में सबसे शिक्षक बनाता है। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और सीखने के उद्देश्य से किया, फिर आपने उसको सीख लिया तो फिर उसमें बार बार उस कार्य को करते रहेंगे, तो जितना उस पर कैसे सवाल है आप मैथ में लगा रहे हैं, एक बार लगाया बढ़िया, एक लग गया, एक टाइप का सवाल है आपने लगाया कि अच्छा ये हमारे समझ में आएगा, अब उस टाइप के आपको बस 50 सवाल मिलेंगे। अब उनको जितनी बार लगाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का तो होगा, भले टाइप एक जैसा है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर तो होगा ही होगा। तो हर कैलकुलेशन, हर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो कुछ नया ही सीखने को पाएंगे, अच्छा इसमें ऐसे होता, इसमें ऐसे होता है कि नहीं। तो जितना आप सीख जाए, फिर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप सीख जाएंगे तो आपके पास अनुभव हो जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को हम तो ऐसे लगाते हैं, अच्छा ऐसे नहीं लगेगा क्वेश्चन तो ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा तो ऐसे लगेगा। बसंत भाई, इसलिए बहुत अच्छी लाइन है कि जब तक जीना तब तक सीखना। जब तक आप जियोगे तब तक सीखने के उद्देश्य, जो भी कार्य करो ये मन लगा के करो कि हम इसमें इस कार्य को करेंगे तो कुछ, यदि होगा भी नहीं तब भी हम कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, तो वो कार्य जरूर होगा क्योंकि आपने उसमें सोचा यदि कुछ नहीं होगा तब भी हम सीख के आएंगे तो कार्य कैसे नहीं होगा। और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाता है। और जब आप उसको बार बार करेंगे तो आपके में एक अनुभव क्रिएट हो जाएगा, अच्छा ये इस कार्य को भाई, यदि आप किसी नए रास्ते पे गए, पहली बार गए तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा भाई उनका घर कहाँ पे है, किसी आप रिश्तेदार के यहाँ गए उसके पहले कभी नहीं गए तो पूछना पड़ेगा भैया उनका घर कहाँ पे है, तो पूछते पूछते चले गए। दूसरी बार गए
धीरे धीरे, अच्छा ये रास्ता ये गली थी चले गए। तीसरी बार आपको किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा, फटाक से पहुंच जाएंगे, दूसरी बार में ही पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें होती क्या, ये अनुभव हो गया ना आपको, रास्ता पता चल गया और आप जिस रास्ते पे चले जाते हैं उस रास्ते को आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। इसलिए जीवन में जो आप एक कार्य कर लेते हैं उस पर पता चलता है, अच्छा इस कार्य को कर लिए, अच्छा अब ये ऐसे किया जाएगा, और उसको बार बार करते रहेंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा, अच्छा इसको कैसे करना चाहिए, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। तो ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको जिंदगी में किसी भी कार्य को करो बड़े ईमानदारी लगन और मेहनत के साथ करो। और इतनी बड़ी बात, इतना बड़े कहने का मतलब, ये दोनों लाइनों और इतनी ज़्यादा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी कार्य करो आप, उसमें आप इस उद्देश्य से करो कि यदि हम इसमें असफल भी हो गए तो हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तब उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ यदि करेंगे कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा, बस इस उद्देश्य के साथ करिए कि हम इस कार्य को करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे दोस्तों, बस और कुछ नहीं। और यदि इस उद्देश्य से करेंगे तो कार्य आपका सफल जरूर होगा दोस्तों। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा है, 9 दोस्तों है। ठीक है, तो आज की पहली हेडिंग डालिए एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या पहली हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिए फटाक से, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैसा, इक्वल वैद्युत क्षेत्र ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब हर जगह एक समान हो, इक्वल होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो हर जगह एक समान होना चाहिए, उसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको थोड़ा लिख लीजिए तब समझाते ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा क्या कहा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा समान हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कुछ समझे बेटा, ये क्षेत्र लिखा बेटा, ठीक कहा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छी लाइन है, कहा यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, उसकी क्वांटिटी तथा दिशा डायरेक्शन समान हो तो उसे क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कहा यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, तो मान लेते हैं ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, कौन सा, ये मान लिया हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं हमारे जितनी हमने लाइनें खींच दी, ये हमारा यहां से यहां तक ही वैद्युत क्षेत्र हो। कहा यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र हमने बना लिया, के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, अब इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जहां तक सब पे हमारे क्या, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा भी सबकी, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र मान लिया इस कण की दिशा इस साइड में है, तो इसकी भी दिशा इसी साइड में, जितने भी कण है इसमें सबकी दिशा क्या इसी साइड में होनी चाहिए, तो दिशा होगा तथा इनका परिमाण भी जो है वो भी समान होना चाहिए, जितना परिमाण इस कण का हो उतना का परिमाण इस कण का होना चाहिए, उतना भी इस कण का, उतना ही इस कण का, उतना ही इस कण का, मतलब सभी कणों का परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। तो ऐसे हम वैद्युत क्षेत्र, ऐसे को क्या कहते हैं हम,
ये जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात समझे क्या, कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, तो हमने वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं खींची, वैद्युत क्षेत्र होगा, ये हमारी इतनी वैद्युत क्षेत्र की एरिया होगी। इस वैद्युत क्षेत्र में के सभी बिंदुओं पर, इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे, तो मान लीजिए हम इतने बिंदु डाटे जो दिखाएं, ये बिंदु हमारे होंगे, इन सभी बिंदुओं पर क्या हो, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, जिसका परिमाण हो क्वांटिटी वो, और इसकी दिशा एक जैसी हो, मतलब समान हो, जैसे ये इधर जा रहा है तो इसकी दिशा इसी साइड में होना चाहिए, और बाई चांस एक कण की दिशा ऐसी होगी तो सारे कण को दिशा इस साइड हो गई, एक कण की दिशा ऊपर होगी तो सारे कण की दिशा ऊपर होनी चाहिए, मतलब जितने भी कण उस वैद्युत क्षेत्र में हो सबका दिशा और सबका परिमाण एक जैसा होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मुझे उम्मीद दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए फटाक से और फिर आगे चलते हैं, अगली एडिंग डालते हैं, अगली एडिंग डालो, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, अगली एडिंग डालो, एक समान, एक समान, एक समान, एक असमान कर लो इस बार, एक असमान, एक असमान वैद्युत क्षेत्र, अब अनइक्वल वैद्युत क्षेत्र होगा, किसे कहेंगे ध्यान से समझिए, एक या असमान, एक समान, एक असमान है, बस ऐसे लिखो, असमान वैद्युत क्षेत्र डाली, ज्यादा अच्छा लग रहा, असमान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, तो ध्यान से इसको भी लिख लीजिए पहले, तब समझाते हैं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा असमान हो, असमान हो, तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, राइट, कोई समस्या, यहां तक बात समझ पाए क्या, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा असमान हो तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जस्ट यही डिफिनेशन, सेम टू सेम सारे वर्ड वैसे ही कॉमन, सिर्फ जहां पे यहां पे समान यूज किया गया ये, वहां इसके साथ सिर्फ आ लगा दिया, असमान कर दिया, और सेम डिफिनेशन वैसे की वैसे लिखी है, मिला लीजिए, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा यहाँ समान लिखा, यहाँ असमान हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते, उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते, सिर्फ समान के स्थान पर असमान यूज कर लो, डिफिनेशन सेम वही रहेगी। अब समझने की कोशिश करो ध्यान से कहा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा, तो ये मान लेते हैं ये वही वैद्युत क्षेत्र ले लिया एक बार, फिर ये वैद्युत क्षेत्र ले लिया, अब कहा यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदु, इसमें इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु होंगे, ये दे बहुत सारे बिंदु होंगे, कहीं पे भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, तो इन सभी क्या, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, अब इस बिंदु का कुछ ना कुछ परिमाण होगा, इस बिंदु का भी कुछ ना कुछ परिमाण होगा, जितने भी बिंदु इस वैद्युत क्षेत्र में होंगे सबका अपना अपना परिमाण होगा, जितने भी बिंदु हैं इनका सबका अपना अपना एक परिमाण होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इन सभी बिंदुओं का परिमाण होगा तथा दिशा असमान हो, जैसे मान लेते हैं इसका परिमाण कुछ और है तो इसकी दिशा इस साइड में जा रहा है, इसका परिमाण तो कुछ और है, निकल ये गति कर रहा है, इसे इसका परिमाण कुछ और है, इनकी गति ये ऊपर की ओर कर रहा है, इसका परिमाण और है कुछ, ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसका परिमाण कुछ और है, ये नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब ना तो इनकी दिशा निश्चित होती है और ना ही इनका परिमाण निश्चित होता है, राइट, मतलब यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा असमान हो, इनका सभी बिंदुओं पर परिमाण भी अलग अलग होता है, इन बिंदु जो ये बिंदु हैं इनका परिमाण भी, इनकी क्वांटिटी भी अलग अलग होती है ये वाले, और इनकी दिशाएं भी अलग अलग होती हैं,
तब वो क्या कहलाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। समान में क्या होगे, उनका परिमाण तथा दिशा समान होगा तो समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएंगे, और असमान में क्या, उनका जो परिमाण तथा दिशा होगा अलग अलग होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे क्या, इनका परिमाण देखो सारी क्या, सबकी दिशाएं अलग अलग आ रही, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र हो गए, राइट। तो मुझे उम्मीद आपको ये दोनों हेडिंगें समझ में आ गई होंगी, और ये समझ में आ रहा तो एक बार जम के शेयर करो दोस्तों, एक बार जम के आप दोस्त शेयर करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक कम करते हो दोस्तों, आप कमेंट भी नहीं करके बताते सही है सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं कि हमारी बात समझ में नहीं आई, ये आपको बताना चाहिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतने पसीने में यदि आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, तो आप कमेंट करके ये तो बता सकते हैं कि ये हमारी चीज़ समझ में आई या नहीं आई, और शेयर करिए दोस्तों, आप शेयर भी तो कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, तो आप शेयर कमेंट जरूर दोस्तों करिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। अब आज की जो लेक्चर नंबर 9, इसकी मुख्य हेडिंग दोस्तों क्या है, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है उसकी मुख्य हेडिंग पर बात करते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अच्छा, मुख्य हेडिंग को सीखने से पहले कुछ बातें और जान लो आप, जो मुख्य हमारी हेडिंग है उसको सीखने से पहले दो बातें जान लीजिए, फिर उसके बाद हम उस हेडिंग को कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में खूब। चर्चा करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते कोई आवेश हमारा प्लस क्यू आवेश है, क्या मान लेते कोई आवेश प्लस क्यू है, ये मान लेते यहाँ पे बिंदु हमारा ये बिंदु पी है, और इस बिंदु P पर एक प्लस Q आवेश रखे हैं, तो आपसे यदि पूछे कि यदि बिंदु P पर एक प्लस Q आवेश रखा है तो इसके वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कहा हमने, कहा लिखवाएंगे नहीं इस बात को, सिर्फ समझ लीजिए, समझने की जरूरत है। हमने कहा एक बिंदु P है, ठीक है, उस बिंदु P पर एक आवेश प्लस Q रखा है, एक बिंदु P है उस पर एक आवेश प्लस Q रखा है, हम पूछ रहे हैं इस बिंदु जो आवेश Q है इसके वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, तो बेटा इसके जो वैद्युत बल की दिशा होती जिस साइड में इसका वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा हो होगा उसी साइड में वैद्युत बल की दिशा होती। यदि कोई आवेश कैसा धनात्मक आवेश है, यदि आवेश कैसा है धनात्मक आवेश है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वही होती है जो वैद्युत क्षेत्र की होती है। आप लिखना चाहो तो नोट डाल के चीज लिख सकते हो, क्या यदि कोई आवेश धनात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वही होती है जो उसके वैद्युत क्षेत्र की होती है। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, ठीक। कैसे, जैसे हमने कहा यह आवेश धनात्मक है, मान लेते इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस साइड में ये है, और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि है कि नहीं सदिश राशि, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड में है, तो आप पूछिए आपके वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, तो वैद्युत बल की भी दिशा यही होगी वेक्टर एफ, क्योंकि वैद्युत बल भी क्या है सदिश राशि, तो वैद्युत बल की भी दिशा क्या होगी उसी साइड, जिस ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी साइड में वैद्युत बल की दिशा है। एक बार हम और बोल रहे हैं, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या यदि कोई आवेश धनात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वही होती है जो उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है, राइट। अगला पॉइंट समझिए, यदि मान लेते हैं यही बिंदु P कोई आवेश क्या है, मतलब कोई बिंदु P है, इस पे क्या रखा हो, माइनस क्यू आवेश रखा हो, ध्यान समझिए, हमने कहा कोई आवेश यदि बिंदु P है इस पे क्या रखा हो, माइनस क्यू आवेश रखा हो, तब पूछे कि इस माइनस क्यू आवेश की दिशा क्या होगी, तो इसमें क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, क्या यदि कोई आवेश ऋणात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, यदि कोई आवेश कैसा ऋणात्मक है तो उसके वैद्युत बल की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती। कैसे, मान लेते हैं ये बिंदु P था, इसमें माइनस क्यू आवेश रखा है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर, इस साइड मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा कैसी है, बाहर की ओर, इस साइड में है, राइट साइड में है, तो आपसे पूछे यदि आवेश की ऋणात्मक है और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में है, राइट साइड में है, तो बताइए कि वैद्युत बल इसमें किस साइड लगेगा, तो इसके विपरीत लगेगा, उल्टा,
इस साइड में लगेगा, क्या इसके विपरीत उल्टा लगेगा इस साइड में, ये वैद्युत बल वेक्टर एफ की दिशा होगी। आप तो समझे कि नहीं? नहीं, ध्यान से, हमने कहा यदि कोई आवेश Q धनात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वही होती है जो उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। और कल हमने आपको कल की क्लास में लेक्चर नंबर 8 में बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान क्यू नॉट, ये तो बताया था। अब यहाँ पे क्यों यूज किया, तो आप खाली यहाँ पे क्यों यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से यदि वेक्टर F बराबर निकाले तो क्या आएगा, क्यू नॉट E, यदि हम वेक्टर में निकालें तो क्या आएगा, वेक्टर क्यू नॉट ई आएगा। यदि और यदि यहाँ क्यू लिया प्लस का तो हम क्यू नॉट के साथ क्यू खाली यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। और यदि यहाँ पे यूज करें, यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, क्या होता है, यही तो फार्मूला होगा, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता था। और चूंकि यहाँ पे क्या क्यू नॉट के स्थान पर क्या माइनस क्यू है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो फार्मूला क्या मिलेगा, वेक्टर एफ बराबर माइनस का क्यू वेक्टर ई। कुछ बात समझ पाए कि नहीं, माइनस का क्यू, ये वेक्टर ही लिखा बेटा, इस बात से हमारे को सहमत आप हैं या नहीं है, क्योंकि ये बात, ये चीजें जब अभी हम प्रूव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें बहुत यूज होगा इसका, इसलिए हम इस बात को आपको बता रहे हैं। एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, यदि यदि कोई आवेश धनात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। और फार्मूला क्या बनेगा, वैद्युत बल क्या होगा, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई होगा। फिर दूसरा पॉइंट, यदि कोई आवेश, आप लिखना चाहो तो नोट डाल के तुरंत ये बात लिख लो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यदि कोई आवेश ऋणात्मक है तो उसके वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती, वैद्युत क्षेत्र राइट साइड में जा रहा और वैद्युत बल की दिशा लेफ्ट साइड में मिल रही, 180 डिग्री के कोण पे मिल रही, ये इधर भाग रहा है इधर भाग, विपरीत है कि नहीं। तब फार्मूला क्या क्या बनेगा, तब उस इस आवेश पे जो ऋणात्मक आवेश होगा उस पे बल क्या लगेगा, वैद्युत बल कितना लगेगा, वेक्टर एफ बराबर माइनस का क्यू वेक्टर ई, ये प्रदर्शित कर रहा है कि आवेश कैसा ऋणात्मक है। और यदि आवेश धनात्मक होगा तब वैद्युत बल कितना होगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू होगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई होगा, राइट। तो ये दोनों बात समझ गए, मुझे उम्मीद आपको समझ गए होंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए और नोट्स लिख लीजिए इसको, इस बात को आप लिख भी सकते हैं, और समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे लिख लेंगे तो आगे के लिए भी काम आएगा, ठीक है। जो अच्छा, आज की जो मुख्य हेडिंग उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, मुख्य टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर, यह हेडिंग है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता का व्यंजक आपको देखना है। ये इतनी बड़ी हेडिंग क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए, क्या होगा, यदि कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या निकालनी है, वेक्टर ई बराबर, या ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहे, कल ही तो क्लास में बताया है लेक्चर नंबर 8, जिसने नहीं देखा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप पहले देखिए, तब ये क्लास 9 जो लेक्चर नंबर 9 बहुत समझ में आएगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो कल हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकलवाया था, एक क्या है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, या ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, यही तो आया था। अब वही सी का एक दूसरा फार्मूला, वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, उसको निकालना है, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। अब ध्यान से लिखिएगा, नहीं अभी अभी नोट्स आप नहीं बनाएगा, पहले चित्र देखिए तब लिखिए, उसके बाद मान लेते हैं हमारा एक बिंदु ओ है, ध्यान समझिएगा, एक बिंदु हमने मान लिया, कौन सा है, ओ मान लिया ये, ठीक है। इस बिंदु O पर एक Q आवेश उपस्थित है, कैसा आवेश उपस्थित है, दिख रहा होगा, हमने डार्क भी कर दिया, Q आवेश उपस्थित है, ठीक। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर
एक बिंदु P है, R दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, देखा ये R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो ये बिंदु देखो क्या किसी बिंदु आवेश के कारण, तो ये हमारा बिंदु आवेश होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण तो हमारा बिंदु आवेश होगा, के कारण किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं बिंदु P जो हमारा यहाँ पे हमें इस बिंदु आवेश Q के कारण यहाँ पे हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बात समझे, बात समझे कि नहीं, क्या ये बिंदु आवेश होगा इस जगह का बिंदु आवेश, तो ये बिंदु आवेश होगा, इस बिंदु आवेश के कारण हमको क्या इस बिंदु कौन सा बिंदु बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चाहिए। आप समझे, अच्छा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण क्या है बाहर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाहर की ओर, ये वेक्टर जो वेक्टर E हमारा क्या बाहर की ओर कार्य कर रहा है। अच्छा तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, जब वैद्युत क्षेत्र इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, तो वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, चूंकि आवेश धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक है, तो आवेश धनात्मक है, आवेश धनात्मक होने के कारण इसके वैद्युत बल की भी दिशा क्या होगी बाहर की ओर होगी। आप समझे, हम वो अभी इसके पहले नोट क्यों लिखवा रहे थे, क्यों समझा रहे थे, यही चीज अभी हम यहाँ पे लिखते तो आप कहते सर ये आया कहाँ से, आप समझ गए कहाँ से है वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर है, तो वैद्युत बल की भी क्या होगा बाहरी की ओर उसी दिशा में लगेगा, राइट, जिस साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी साइड में वैद्युत बल लगेगा। अब इसका व्यंजक इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है इसका यहाँ पे व्यंजक निकालना है, ठीक है। एक बार चित्र और समझा दे रहे हैं, माना कोई आवेश Q है, मतलब कोई बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जहाँ पर हमें आवेश Q के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका व्यंजक देना है। देखो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, ये जो हमारा हम कार्य कर रहे हैं जो चित्र बनाए हैं ये मानते हैं, मान लेते हैं ऐसे माध्यम मैंने बनाया जिसका परावैद्युतांक K है, क्या जो हमारा ये Q आवेश रखा है, जो ये हमारा हमने Q आवेश माना है, इसको मान लेते हैं माना कोई आवेश Q जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है K है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, अच्छा बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल या Q नॉट पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, राइट, कुछ समझे, पहले लैंग्वेज लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अभी लिखिए माना चित्र, समझ गए चित्र, अब आप साथ में लिख सकते, पहले आप चित्र बना लीजिए, चलिए बनाइए चित्र, फिर तो मुझे उम्मीद है आपने चित्र बना लिया होगा, ठीक है चित्र बना लिया, अब लैंग्वेज साथ में लिख लीजिए, फिर एक बार और समझा देंगे। माना माना आवेश Q, माना आवेश Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है, माना आवेश Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इससे R दूरी पर किससे Q आवेश से, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है या रखा है, स्थित है या परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित या परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है। अतः Q नॉट पर लगने वाला, या इसे लिखो अतः परीक्षण आवेश, अतः परीक्षण आवेश क्यू नाट पर लगने वाला बल, ध्यान से देखिएगा बेटा,
लैंग्वेज समझ पाए कि माना आवेश क्यू एक ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावर्तनांक की, मतलब जो हम पेटिकल कर रहे हैं ये जो चित्र हमने बनाई एक ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावर्तनांक है, इससे आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। लैंग्वेज में तो कोई दम ही नहीं है क्या बेटा। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको हमने कूलाम्ब का नियम भी पढ़ाया है, कूलाम्ब का नियम हमने पढ़ाया था आपको, याद आ रहा कि नहीं, सिखाया था ना। तो कूलाम्ब का नियम हमने जब सिखाया था तो देखो उसमें भी दो आवेश लिए थे क्या, एक यहाँ Q1 लिया था, यहाँ Q2 लिया था, उनके बीच की दूरी क्या ली थी, R ली थी। तो कूलाम्ब का नियम किसी को याद है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या होता है, क्या होता था, हम इधर लिख दे रहे हैं क्या, वेक्टर एफ बराबर क्या होता है 1/4 pi ε0 Q1 Q2 √R² होता था ना, यही तो होता था। तो इसी आधार पर क्या है, Q1 के स्थान पर Q है और Q2 के स्थान पर Q0 है, R के स्थान पर तो R ही, तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे F बराबर बल क्या होगा, अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तो कितना बल लगेगा F, क्या हो जाएगा 1/4 pi ε0 के इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि माध्यम का परावर्तनांक के आपको कहा है, इसलिए के यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंटू Q1 तो Q1 कितना बेटा आपका Q है, ठीक, और Q2 कितना Q0 अपान बीच की दूरी कितनी R², कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1 बना दो। यहाँ तक किसी को समस्या है कोई, चलिए आगे बात करते हैं, बस थोड़ा सा प्रूफ में कोई दम नहीं। अब बिंदु P पर हम क्या निकाल लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, बिंदु पी पर देखिएगा बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 E बराबर F/Q0 समीकरण नंबर 2, यही तो होती थी। वेक्टर इसने लगा रहा है, वेक्टर तो सिर्फ दिखाता है सदिश राशि से, क्या E बराबर F/Q0, इसको अभी मत दो समीकरण। अब देखो यहाँ से F बराबर निकाले तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, F बराबर ये F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे 1 मान लोगे तो F × 1 रहेगा और E इंटू क्यू कितना Q0 E, इक्वेशन नंबर E Q0 या Q0 E बात एक ही, E Q0 इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। इस साइड में लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, LHS पार्ट बराबर है, यहाँ भी F है यहाँ भी F, तो LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई समस्या। लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ध्यान से देखिए, तो ये क्या E Q0 बराबर कितना 1/4 pi ε0 के Q0 √R², ये बात समझे, LHS बराबर था तो RHS भी आपस में बराबर, E Q0 बराबर 1/4 pi ε0 के Q0 √R² हो गए। अरे चाहे इसको पहले लिख ले, इसको पहले लिख के बाद में इसके लिखते, बात तो एक ही था इसीलिए हम इसको पहले लिख लिए। अब देखो यहाँ से देखो Q0 कैंसिल, ये चीज़ समझ पाए लाइने दोनों क्यों लिखी हमने भाई, LHS बराबर इसीलिए RHS भी आपस में बराबर होंगे इसीलिए इसको लिखा। अब यहाँ भी Q0 था, यहाँ भी Q0 था, कैंसिल हो, क्या बचा देखिए, E बराबर 1/4 pi ε0 के Q/R², एक तो फार्मूला ये मिला गया जाके, फोर पाई ε0 के, ठीक, एक तो फार्मूला ये मिल गया जाके, E बराबर 1/4 pi ε0 के ε0 के Q/R² हो गया। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इतनी हो जाएगी। और यदि यदि परीक्षण आवेश ये वाला परीक्षण आवेश वायु या निर्वात में रखा हो तो यदि परीक्षण आवेश किसमें रखा, वायु निर्वात में रखा होगा तो के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा कि नहीं, तो के बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, E बराबर
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कितना के बराबर वन है, तो के स्थान पे के स्थान पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये बेकार है, वन की मल्टीप्लाई फोर बाई एप्सिलॉन आर से करेंगे तो वही पर्चे का अपान इंटू क्या हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। अतः बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आपके पास दो फार्मूले आ गए, एक कल की क्लास में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते थे, वहां से आएगा ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट या वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, एक फार्मूला तो वहां से निकला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक फार्मूला क्या गया ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। ये किसके कारण है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि पूछ लिया आपसे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। इसके नीचे लिख लीजिए अतः बिंदु पी पर या ऐसे अतः किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। यहां तक कर देंगे आपके पूरे जितने नंबर का होगा, कम से कम कुछ नहीं तो तीन नंबर तीन से चार नंबर तक ही आता है, तीन नंबर से चार नंबर तक ही प्रूफ आता है आपके पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास लेक्चर नंबर कौन सा था, 9 का मुख्य टॉपिक ये है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शुरुआत में ही कहा था क्या है इम्पॉर्टेंट है, कहाँ लिख दें इम्पॉर्टेंट, यहीं लिख देते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है इसको सही से तैयार कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, फिर भी यदि आप सभी छात्रों को या किसी भी छात्र को कोई भी कहीं पे भी किसी भी बात में समस्या है तो तुरंत दोस्तों आप कमेंट करके निसंकोच आप अपने भाई से पूछ सकते हैं, आपका भाई आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास दोस्तों ज़रूर करेगा, ठीक दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आप सभी छात्रों को कैसी लगी दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।